नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 52 रुपीज का स्टॉक है, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट आई है और क्वार्टरली 2 रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे। बात करें क्वार्टर 2 का रिजल्ट की, यहां पे स्टॉक में आज देखेंगे तो बहुत वोलेटिलिटी नहीं रही, एक छोटा रेंज बना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में 1% की गिरावट हुई है और बैंक निफ्टी का जो प्रेशर है वो साफ तौर पर छोटे और बड़े बैंक्स पे सब पे फोकस किया जा रहा है। अगर आप बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भले ही गिरावट ना हो यहाँ पे, बट पीएनबी जैसे स्टॉक्स में, केनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में आज भारी गिरावट हुई है। तो क्या इसका मतलब है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी गिरावट होगी हमारे? कहां तक गिरावट हो सकती है? स्टॉक में शुरुआत अच्छी हुई है, क्वार्टर टू के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं, तो क्या यहां से एक रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी? बाजार का मूड कैसा है? क्या आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद डिलीवरी में काफी अच्छे चेंजेस आए हैं, भारी डिलीवरी उठाई जा रही है यहाँ पे, और ये दूसरा बड़ा कारण है मुझे लगता है कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले क्वार्टर टू के रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टर टू का रिजल्ट जो रहा है वो काफी ठीक रहा है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत थी और कंपनी देखिए छोटी है यहाँ पे, और उस हिसाब से अगर आप इसे मैनेज करके चलते हैं तो ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ आपको ठीक ठाक दिखाई देती है। यहाँ पे कंपनी का जो मोमेंटम रहा है बरकरार रखा है, स्टेबल कंपनी रही है, और इस बार के रिजल्ट से साफ दिखाई देता है कि कंपनी आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। देखिए 4000 करोड़ का रेवेन्यू था 2 साल पहले, इस समय पे 4800 करोड़ के आसपास का है। ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करें तो सितंबर 2020 में 4081 करोड़ से बढ़ करके कंपनी 4830 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच गई है। रेवेन्यू के टर्म्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है, और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 4938 करोड़ से 4830 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमारा एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, गिरावट नहीं कहूंगा मैं इसे, हाँ, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे रही कि आरबीआई का मॉरिटोरियम काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहा है। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी है इस क्वार्टर के लिए वो काफी प्रॉब्लमेटिक रही है बहुत सारे बैंक्स के लिए। बंधन बैंक ने 3000 करोड़ का वहां पर लॉस घोषित किया था, तो ऐसे में अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में स्लाइट गिरावट होती है, स्लाइट रिडक्शन आता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर परेशान होना चाहिए। देखिए अगर आप बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 75 करोड़ का लॉस आया है। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 184 करोड़ का ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट था और इस बार लॉस आया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 75 करोड़ का लॉस जो रहा है हमारा वो एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट की तो 111 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो काफी अच्छे नंबर्स हैं। 621 करोड़ का लॉस था लास्ट टाइम पे और इस बार 111 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, यानी कि एक अच्छी ग्रोथ यहां पर भी है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कंपनी का मूड काफी बढ़िया सेट हुआ है, यहां पे स्टेबल है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, मिक्स्ड नंबर आए हैं यहां पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां पर लॉस में आया है वहीं पर नेट प्रॉफिट में हमारा एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है यहां पे, अच्छी ग्रोथ है। 600 करोड़ के लॉस से कंपनी निकल करके 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हुई थी। क्वार्टर टू के बाद शायद यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर डिलीवरी में चेंजेस देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हैं तो 110 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लास्ट टाइम भी था, इस बार भी 110 करोड़ के आसपास ये है हमारा, तो कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, बस स्टेबिलिटी है। जैसे मैंने बोला कि कंपनी स्टेबल है इस समय पे, बहुत बड़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे और वो हुआ भी नहीं यहाँ पे। जो एक्सपेक्टेशन थे कि हाँ स्टेबल रहे कंपनी और ठीक ठाक नंबर आ जाए तो वो हुआ है, नेट प्रॉफिट में अच्छे चेंजेस आए हमारे सामने, तो वो ठीक बात है। अगर आप मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में गिरावट है, मार्जिन एवरेज रहता है 4 to 4 का मार्जिन रहता है, रेंज हमारी वही रहती है 4% प्लस या 4% माइनस, अगर आप थ्रू आउट द ईयर्स देखेंगे तो वही रहा है हमारा। ओवरऑल जो नंबर्स रहे हैं मुझे लगता है काफी पॉजिटिव है और यहां से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टर काफी क्रूशियल था। लास्ट टाइम पे 600 करोड़ का लॉस था और इस बार भी अगर लॉस आता तो कंपनी में एक नेगेटिव जोन जरूर बनता, तो क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर अगर आप फिक्रमंद थे तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको क्वार्टर टू का रिजल्ट नंबर्स देखने के बाद आपको कोई फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, अभी बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। देखो भैया शेयर होल्डिंग में भी अभी एफआईआई ने काफी अच्छा शेयर होल्डिंग पकड़ा हुआ है यहाँ पे 14.75 का, तो अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो ये दूसरा बड़ा पॉइंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एफआईआई ने काफी बड़ी सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग खरीदारी कर रखी है इस कंपनी में, ऐसे समय में जब एफआईआई लगातार भारत से पैसा निकाल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एफआईआई के पोर्टफोलियो से निकली है इस क्वार्टर में, ऐसे में यहाँ पर सिर्फ माइनस 1.25% की यहाँ पर गिरावट है, 0.35% की गिरावट है कंपनी में। अभी भी अराउंड 15% का सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग एफआईआई होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड यहाँ पर 4% के आसपास की शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, तो कम से कम आपको ये समझना पड़ेगा कि एफआईआई जिनके पास अच्छे शेयर होल्डिंग पैटर्न है
और FIA के बेटर इन्फॉर्मेशन होती है, बेटर एनालिस्ट होते हैं, स्टिल दे आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इनटू दिस कंपनी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका यहाँ से भी गेन करता है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। नंबर्स अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। चार्ट की बात कर लेते हैं, देखिए चार्ट भी आपका मुझे लगता है काफी ठीक है, एक ग्रोथ का चार्ट पैटर्न है। श्योरली यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट मिला था, उसके बाद दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। टारगेट कहाँ पर है भैया? टारगेट आपका पहला टारगेट जो होगा वो 61 का है, सेकंड टारगेट इज अराउंड 70 रुपीज का है। और सिर्फ मेरा नहीं, अगर आप बात करें तो ICICI डायरेक्ट का 60 रुपीज का टारगेट है। नवंबर 1 की कॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नवंबर 1 का रिसर्च रिपोर्ट रहा है और 60 रुपए का यहाँ पर बाय कॉल दिया था ICICI डायरेक्ट ने। तो ओवरऑल अगर आप बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के टेक्निकल पैटर्न के बारे में, तो सारी चीजें पॉजिटिव है। आपको 60 रुपए का फिर 70 रुपए का टारगेट लेकर खरीदारी करनी चाहिए। जो सपोर्ट होगा आपका 47 का, आपका स्टॉक सपोर्ट लेगा यहाँ पे। अगर गिरावट होती है किसी भी वजह से तो ओवरऑल गिरावट क्यों होगी वो बात करेंगे हम। RSI की बात करें तो 54 का RSI और स्ट्रॉन्गली बुल रन में आपका हिस्टोग्राम आ चुका है। MACD आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, तो बायर्स का पूरी तरह से कब्जा है। जैसा मैंने बोला क्वार्टरली रिजल्ट के आने के बाद 9 नवंबर और 10 नवंबर दोनों ही दिन आप देखिए तो यहाँ पर अपर साइड MACD हिस्टोग्राम बने हैं, खरीदारी बहुत अच्छी हुई है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा ट्रेड हुआ है यहाँ पे। और यही बड़ा कारण है कि ICICI डायरेक्ट जैसे स्टॉक्स जो हैं और ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इस कंपनी में। यहाँ पर अच्छी खरीदारी लगातार जारी है, मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पर चूकना नहीं चाहिए। अब बाजार वॉलेटाइल है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको। आज का अगर आप बाजार देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी कोई बहुत बड़ी रिकवरी यहाँ पर नहीं आई। 17,915 का लो लगाया था, लगातार बाजार के ऊपर प्रेशर है और FII जो है वो लगातार बिकवाली में है। FII का कल का डेटा अगर आप देखेंगे 2400 करोड़ की बिकवाली हुई थी कल के दिन में। DII की बात करें 1417 करोड़ की खरीदारी जरूर की थी, बट जो 1000 करोड़ का जो गैप रह जाता है वो गैप फिल करना रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है। और इसी वजह से अगर बाजार में गिरावट होती है तो IDFC फर्स्ट बैंक में भी वोलेटिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। अगर IDFC फर्स्ट बैंक वोलेटाइल होता है तो वो इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और अगर ये इस रेंज में भी है तो भी मुझे लगता है कि आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए जब बाकी स्टॉक्स में गिरावट है, आपको लगता है कि सेल में बहुत अच्छी रैली थी और वहां पैसा क्यों नहीं लगाया, या भीयर में रैली थी, नालको में रैली थी, वहां पैसा क्यों नहीं लगाया, तो उन स्टॉक्स में उतनी ही तेजी से गिरावट भी होती है। ये स्टॉक अगर आपका एक रेंज में भी रहता है तो एटलीस्ट योर कैपिटल इज सेव, ठीक है। तो सेफ कैपिटल हो, सिक्योर कैपिटल हो, एट द सेम टाइम यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखाएगा कंपनी, और ऐसे ही कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। देखिए स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, तो अगले 3 महीने के लिए आपका ये तो है कि स्टॉक आपको 70 रुपए का टारगेट ला करके देगा। ICICI डायरेक्ट का टारगेट 60 रुपीज का है, तो मुझे लगता है कि खरीदारी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। FII यहाँ पर लगातार बिकवाली में है, मार्केट वोलेटाइल में जाता है, तो ऐसे में भी IDFC फर्स्ट बैंक एक रेंज में जा सकता है आपका, बट स्टिल आपको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अभी खरीदारी कर सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। मुझे लगता है कि 60 रुपीज के टारगेट लेकर के खरीदारी आपको बिल्कुल करनी चाहिए। बाकी लास्ट कॉल आपका है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए भी मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।